हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप ड्रीम लीग सॉकर 2019 को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन में, वो भी इंडिया में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यार दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है, सॉरी ये जो गेम है ड्रीम लीग सॉकर, ये रिमूव कर दी गई है। तो यहाँ पर मैं ड्रीम लीग 2019 लिख रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एप्लीकेशन निकलता है इसका, ये लिखता है गाइड फॉर ड्रीम विनर लीग टिप्स सॉकर 2020। तो फ्रेंड्स ये बता रहा है गाइड, क्योंकि एप्लीकेशन तो अवेलेबल नहीं है अभी, गाइड इसके निकलते हैं। तो यहां पर ड्रीम लीग सॉकर 2020 है, लेकिन ये उससे अच्छी नहीं है, वो ज्यादा अच्छी है। तो फ्रेंड्स, उसको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन में, और यहां पर आप बिना प्ले स्टोर में आपको निकले हुए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इंडिया में, वो भी इसका लेटेस्ट वर्जन। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी करना चाहते हैं डाउनलोड, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जो ये गेम ड्रीम लीग सॉकर 2019 है, ये डाउनलोड क्यों नहीं होती, प्ले स्टोर से निकलती क्यों नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ड्रीम लीग 2019 सर्च किया है और यहाँ पर सिर्फ इसके गाइड निकलते हैं, इसकी जो गेम है जो ओरिजिनल गेम है वो निकलती नहीं है। क्यों नहीं निकलती फ्रेंड्स? क्योंकि ये कंट्री इंडिया के लिए रिमूव कर दी गई है। यहाँ पर जो भी बंदा कंट्री इंडिया से होगा, मतलब इंडिया में रहता होगा, वो इसको डाउनलोड नहीं कर पाएगा। जो कंट्री से बाहर होगा, मतलब चाइना वगैरह किसी और कंट्री से होगा, वो इसको डाउनलोड कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने कोई भी पैतरा, मतलब कोई भी तरीका यूज़ किया होगा इसको डाउनलोड करने के लिए और डाउनलोड नहीं हुआ है, या क्रोम से या किसी और से आपको डाउनलोड नहीं आता है, मतलब आपका जो गेम है डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस गेम को जो है डाउनलोड कैसे करना है अपने एंड्रॉयड फोन में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ पर करना है आपको होम बटन पर क्लिक। और जैसे आप होम बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा जो इंटरफेस है आ जाएगा। यहाँ पर आप सर्च करते होंगे डाउनलोड ड्रीम लीग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डाउनलोड ड्रीम लीग सर्च कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डाउनलोड ड्रीम लीग सॉकर 2019 लिखता हूँ। 2019, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो यहाँ पर सर्च किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रीम लीग सॉकर और ड्रीम लीग सॉकर 2020 दोनों है। तो इसके 1 मिलियन डाउनलोड है शायद, या 1 मिलियन रिव्यू है शायद, और इसके 13 मिलियन है जो यहाँ पर दूसरी वाली है। ये बहुत ही अच्छी गेम है। तो अगर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर चलते हैं प्ले स्टोर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, लेकिन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन दिखा रहा है और अनइंस्टॉल दिखा रहा है, लेकिन इसके नीचे दिखा रहा है दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, फिर भी मैंने डाउनलोड किया है। कैसे किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम चलते हैं बैक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रीम लीग सॉकर 2019 फ्री एंड्रॉयड डाउनलोड दिखा रहा है। तो हम इसको यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 336 MB यहाँ पर दिखा रहा है, और यहाँ पर अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर XAPK फाइल है, ये ओरिजिनल फाइल नहीं है, आप यहाँ से डाउनलोड मत करें। तो यहाँ पर आपको बैक चले जाना है, और यहाँ पर सर्च क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है, और यहाँ पर आपको APKPLZ.net लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा APKPLZ.net, जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा यहाँ पर पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स आपके पास कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप्स यहाँ पर मिल जाएंगे, गेम्स मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर गेम्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पहली पबजी मोबाइल मिल जाती है, दूसरे नंबर पर पोकेमॉन, तीसरे नंबर पर गरीना फ्री फायर, चौथे नंबर पर आपको पबजी मोबाइल VN मैप कुछ मिल जाता है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रीम लीग सॉकर दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ड्रीम लीग सॉकर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास ड्रीम लीग सॉकर ओपन हो जाएगी। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पर 16.13 है। तो यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल साइज है 365.98 MB। एंड्रॉयड जो रिक्वायर है इसके लिए 4.4+ है। पैकेज नेम है .com.firsttouchgames.dls3, और डेवलपर है फर्स्ट टच, वही है जो आपको जहाँ पर प्ले स्टोर में मिल जाता है, वही डेवलपर है। तो फ्रेंड्स अपडेटेड भी दिखा रहा है, प्राइस दिखा रहा है फ्री, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेट कितने हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड APK प्लस OBB। तो अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर और वर्जन भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वर्जन 16.13 APK प्लस OBB और इसके नीचे है 16.12 APK प्लस OBB। इसके नीचे जो पिछले जो वर्जन है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लेटेस्ट वर्जन ये है जो आपको पहले निकलेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाएगा ड्रीम लीग सॉकर 16.13 APK डाउनलोडिंग। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग फाइल आ रहा है, तो हम डिटेल में चले जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो रहा है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा, अभी मैं दूसरी बार डाउनलोड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब आप इसको डाउनलोड करेंगे उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ये जिप फाइल बन जाएगी, मतलब आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। अब इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है अब आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, जब आप इसको डाउनलोड करोगे आराम से फिर आपको जाना पड़ेगा फाइल मैनेजर में और यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा डाउनलोड्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम चलते हैं फाइल्स में और यहाँ पर डाउनलोड्स आते हैं। तो डाउनलोड्स पर आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 62.77 MB का ये गेम है, तो मैंने ऑलरेडी इसको एक्सट्रैक्ट करके रखा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं DLS OBB 16.13 AN1.com zip, तो यहाँ पर zip फाइल है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यही बोलेगा एक्सट्रैक्ट फाइल्स टू, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर आपको zip फाइल बनेगा। तो यहाँ पर आपको करना है एक्सट्रैक्ट फाइल्स टू और यहाँ पर इंटरनल कर लेना और यहाँ पर आपको DCIM में चले जाना और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दो फाइल्स बन जाएंगी, यहाँ पर एक ही फाइल बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल बन रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन आपको दो फाइल्स बन जाएंगी। एक है ये, एक है एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये जो है इसको यहाँ पर टच करके लॉन्ग प्रेस करके मूव करना है OBB में। तो फ्रेंड्स जैसे ही मूव करेंगे इंटरनल एंड्रॉयड OBB, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ऑलरेडी करके रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मूव नहीं करूँगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट करना है, आपका जो OBB है वो पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने गेम को रन कर सकते हैं, आपका जो गेम है वो यहाँ पर रन हो जाएगा और आपका जो यहाँ पर गेम है आराम से चल जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मैं इसको ओपन करके। तो फ्रेंड्स चलिए हम कर लेते हैं अपने गेम को ओपन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो गेम है ओपन होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो इसका वॉल्यूम है कम कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है और ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई और डाटा आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइल OBB में ट्रांसफर की है, वैसे ही आपको कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो गेम है अच्छे से चल रहा है और यहाँ पर मैं मैच भी खेल सकता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से चल रहा है गेम। और यहाँ पर इंडिया में होकर मैंने इसको डाउनलोड किया है और यहाँ पर इसका लेटेस्ट वर्जन। तो फ्रेंड्स अगर आप भी करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन में अपने इस ड्रीम लीग सॉकर 2019 को डाउनलोड इसका लेटेस्ट वर्जन। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा, तो पहले हम इस गेम को एग्जिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है जब आप इंस्टॉल करते हो अपने गेम को, मतलब डाउनलोड करते हो उसके बाद एक्सट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया डाउनलोड्स में जाना है उसके बाद एक्सट्रैक्ट करना है फाइल, यहाँ पर जिप फाइल बन जाती है, तो यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करना है, पहले गेम को इंस्टॉल करना है उसके बाद जो ये OBB है इसको एक्सट्रैक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपने जो OBB फाइल में उसको पेस्ट करना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने एंड्रॉयड में OBB में यहाँ पर देख सकते हैं DLS यहाँ पर मैन 308 MB का है, तो मैंने जैसे ही पेस्ट किया है से आपको भी पेस्ट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंड्स मुझे यहां पर कमेंट्स में बोल सकते हैं या तो मेरे फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पर भी मुझे बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको यहां पर मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे यहां पर बिना टेंशन के मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बोलूंगा कैसे करना है, अच्छे से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे फिर से बोलूंगा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब मस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हर कोई वीडियो मेरी देख सके जो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है आगे। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।